हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह केएलएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीसीबी का, जो विंडो एसी की पीसीबी है, इसकी पावर सप्लाई का। तो समझते हैं कि पावर सप्लाई कैसे काम करती है। तो आइए समझते हैं डायग्राम में। तो सबसे पहले इसके अंदर रिले लगी हुई है, ये बड़ी वाली रिले। तो हम बड़ी वाली रिले बना लेते हैं। तो ये स्विच है इसके अंदर, और इसके अंदर कॉइल लगी होती है। जो फेस है हमारा यहाँ से इन होता है इस वाले पॉइंट पर, और यहाँ से ये आउट होता है, और ये सीधा फ्यूज पे आ जाता है। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज के बाद सप्लाई, इसमें VDR और MOB वगैरह नॉन पोलराइज कैपेसिटर नहीं दिया है जो सप्लाई के बीच में हो। डायरेक्ट फ्यूज के बाद डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे दे दिया है। तो हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बना देते हैं। और इस पर न्यूट्रल आ जाएगा, ये न्यूट्रल का पॉइंट है। ये एक पॉइंट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें ये चार थिम्बल लगे हुए हैं इसके। इसमें जो ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है जो 12 वोल्ट बनाता है। और इसमें यहाँ पर चार डायोड लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, जिसमें दो डायोड सीधे और दो उल्टे लगाए जाते हैं। और जो सीधे लगाएंगे वो पॉजिटिव सप्लाई बनाएंगे। और जो उल्टे लगेंगे वो नेगेटिव सप्लाई बनाएंगे। और यहाँ पर एक नॉन पोलराइज और एक पोलराइज दो कैपेसिटर लगे हुए। उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वाला। यहाँ पे देखोगे ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो पहले ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, फिर ये पोलराइज है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जो लगा हुआ है ये 7805 है। इस पर मैं लिख भी देता हूँ 7805। तो ये जो सप्लाई है हमारी, यहाँ पे डायोड से 12 वोल्ट बन जाती है, और जो कैपेसिटर लगता है तो इसमें 1.4 ऐड हो जाती है। तो करीबन यहाँ पर ये 16 से 17 वोल्टेज रहती है, लेकिन हम इसको प्लस 12 वोल्ट ही बोलते हैं। और ये सप्लाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और ग्राउंड हमारा यहाँ पर आएगा, और 5 वोल्ट सप्लाई हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट सप्लाई बन गई, यानी कि इसी वोल्टेज रेगुलेटर पे 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है जो ये वोल्टेज रेगुलेटर भेजता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये चार डायोड लगे हुए हैं, ये पोलराइज कैपेसिटर है जो वोल्टेज को स्टेबल करेगा, जो भी हमारी जो ये फुल वेव DC बनती है। और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर हमारा 12 वोल्ट का लगा हुआ है। तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी है। ये फ्यूज लगा हुआ है, और ये हमारी रिले लगी हुई है, और ये ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से सप्लाई बन जाती है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। तो इसी को हम पावर सप्लाई बोलते हैं, और ये लीनियर पावर सप्लाई है। और ये 7805 तक हमारी सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमने समझा कि इस PCB के अंदर किस तरीके से हमारी जो वोल्टेज सप्लाई बनती है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के लिए बात करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। और यदि किसी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें। और कोई भी बच्चा यदि एडमिशन का मन बना रहा है तो एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आकर ज़रूर विजिट करें। हमारे यहाँ पर जो क्लास डेमो क्लास है वो बिल्कुल फ्री है, तो एक बार ज़रूर मिलिए हमारी क्लास लेके। थैंक यू।